विश्व कप में जिस तरह से पंत ने बल्लेबाजी की उस पर काफी सवाल खड़े हुए, लेकिन उसके बाद में उम्मीद जताई गई कि शायद पंत सुधर जाएंगे और अपने बल्लेबाजी पर ध्यान देंगे। लेकिन वेस्टइंडीज में ट्रेव इंडिया के साथ पंत ने जो बल्लेबाजी की है, जिस तरह से वनडे और टी20, उसके बाद में अब जिस तरह से टेस्ट मैच में पंत बल्लेबाजी कर रहे हैं, उस पर काफी सवाल खड़े किए जा रहे हैं, क्योंकि पंत को धोनी का उत्तराधिकारी माना जा रहा है और टीम इंडिया में लगातार उनको मौके दिए जा रहे हैं। इसके बाद पंत पर लगातार उनकी बल्लेबाजी पर गैर जिम्मेदाराना शॉट खेलने के लिए सवाल खड़े किए गए, लेकिन अब कुछ दिग्गज खिलाड़ी पंत को सलाह दे रहे हैं। पंत को सहवाग ने सलाह दी है। सहवाग ने पीटीआई से बात करते हुए कहा कि पंत बेहतर प्रतिभावान खिलाड़ी हैं जिसमें बेहद क्षमता है, यह महत्वपूर्ण है कि उसे अच्छी तरह निखारा जाए। सहवाग ने कहा कि और अब टीम के साथ उसे मौके मिलने तय हैं, यह महत्वपूर्ण है कि वो मौके का सर्वश्रेष्ठ इस्तेमाल करें और अपने खेल को बेहतर करने पर काम करें और क्रिकेटर के रूप में विकसित हों। सहवाग को उम्मीद है कि अच्छे तेज गेंदबाजों और बेंच स्ट्रेंथ के साथ मौजूदा भारतीय टीम अच्छा प्रदर्शन कर सकती है। सहवाग से जब विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के बारे में पूछा गया तो सहवाग ने कहा कि मौजूदा टीम विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2021 जीत सकती है, लेकिन अभी 2 साल लंबा समय है। हाँ, टीम अच्छे हाथों में है। मैं दूसरी पारी के लिए रवि शास्त्री को शुभकामनाएं देता हूँ और विराट कोहली को भी। सहवाग ने कहा कि हमारे पास अच्छी बेंच स्ट्रेंथ है, विश्व स्तरीय तेज गेंदबाज हैं और अच्छे स्पिनर भी हैं। हमें अब टीम संयोजन करना होगा। आपको बता दें कि भारत ने विश्व टेस्ट चैंपियनशिप की शुरुआत करते हुए 2 मैचों की सीरीज के पहले टेस्ट में वेस्टइंडीज को 318 रनों से हरा दिया। दूसरी पारी में बुमराह ने 5 विकेट लिए तो वहीं ईशांत शर्मा ने पहली पारी में 5 विकेट झटके थे, तो अजिंक्य रहाणे की शतकीय पारी भी कमाल की थी। देखना होगा कि दूसरे टेस्ट मैच में भारतीय टीम किस तरह का प्रदर्शन करती है। क्रिकेट से जुड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। नमस्कार। सिलेक्टर ऐप डाउनलोड कीजिए, अपनी टीम पिक कीजिए, अपने प्लेयर को वोट कीजिए। जितने ज़्यादा वोट मिलेंगे उस प्लेयर को, वो उस टीम में खेलने का हकदार होगा। जितने ज़्यादा वोट मिलेंगे कि ये प्लेयर ओपनर आना चाहिए तो उसको ओपनिंग पे भेजा जाएगा, ये ओपनिंग बॉलर होना चाहिए तो उसको जितने ज़्यादा वोट मिलेंगे तो वो ओपनिंग बॉलिंग करेगा। तो ये कॉन्सेप्ट है। जो 1 सितंबर को मैच होगा, स्टार स्पोर्ट्स पर लाइव आएगा, उसमें ब्रावो 11 वर्सेस पोलार्ड 11 है। आप अपना कैप्टन भी पिक कर सकते हैं कि आपको अगर पोलार्ड कैप्टन नहीं बनाना तो आप किसी और को कैप्टन बना सकते हैं और अपनी टीम पिक कर सकते हैं और वही टीम आपकी खेलेगी। बिग स्क्रीन पर आएगा कि सबसे ज़्यादा वोट मिले हैं पोलार्ड को ओपनिंग करने के लिए। जैसे मैंने वोट किया ब्रायन लारा को, तो मैं ब्रायन लारा को वोट किया खेलने के लिए, 1 बार ही नहीं 10 बार ही, और एज ओपनर वो आए बल्लेबाजी करने, क्योंकि शायद हो सकता है मेडल ऑर्डर में जब तक वो आए 20 ओवर में कम ओवर खेलने को मिले। तो ये पावर मिला है अभी फैंस को, तो मैं तो वोट ज़रूर करने वाला हूँ अपने फेवरेट खिलाड़ियों के लिए। तो शायद आप लोग भी कर सकते हैं, जो भी आपके पसंदीदा खिलाड़ी हैं उसको आप खिला सकते हैं अपनी प्लेइंग 11। सर, नंबर 4 को लेकर डिस्कस चल रही है, आपको क्या लगता है हमारे पास नंबर 4 पे सेटल होने वाला कौन सा प्लेयर है? देखिए, बहुत सारे खिलाड़ी हैं जिनको आप नंबर 4 पर ट्राई कर सकते थे। पिछले टाइम में आपने राइडू खिलाया, दिनेश कार्तिक खिलाया, मनीष पांडे खिलाया, तो आपके पास एक सबसे एक्सपीरियंस खिलाड़ी थे MS धोनी, जिन्होंने आप उनको नंबर 4 पर बहुत कम खिलाया। अगर वो खेलते तो बेहतर होता, अब वो नहीं है। हालांकि शायद मैनेजमेंट, टीम मैनेजमेंट ने डिसाइड किया है कि ऋषभ पंत कुछ टाइम के लिए अब नंबर 4 पर खेलेंगे, तो अगर वो नंबर 4 पर खेलते हैं और बेहतर प्रदर्शन करते हैं शायद बहुत अच्छा होगा भारत के लिए। और बैकअप के तौर पर भी जब MS नहीं है टीम के साथ या जब वो अनाउंसमेंट करेंगे रिटायरमेंट, तो आपको लगता है ये जो सीरीज है, जो प्लेटफॉर्म है ऋषभ पंत जैसे प्लेयर के लिए, एक देखिए टेस्ट क्रिकेट में तो वो सेटल हो चुके हैं, क्योंकि शायद पहले विकेट कीपर हैं जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड दोनों कंट्रीज़ में शतक बनाया एज अ विकेट कीपर। तो अब उनको सिर्फ लिमिटेड फॉर्मेट में उनको अच्छा प्रदर्शन करना है, और वो भी सिर्फ एक चीज़ पर अगर वो कंट्रोल करें अपने शॉट सिलेक्शन पर, तो शायद वो लंबा क्रिकेट खेलेंगे, लंबा सर्व करेंगे और एक बड़े मैच विनर बनेंगे भारत के लिए। तो सिर्फ अगर वो शॉट सिलेक्शन उनका सही रहा तो वो बहुत बड़े खिलाड़ी बनेंगे। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की अगर हम बात करें तो रोहित शर्मा और अजिंक्य रहाणे, आप किसके साथ जाएंगे? पहली चॉइस तो अजिंक्य रहाणे होगी। अगर हनुमान विहारी और रोहित शर्मा से किसी एक को पिक करना होगा तो शायद रोहित शर्मा होंगे मेरी चॉइस। लास्ट क्वेश्चन सर, सेकेंड टर्म है रवि शास्त्री का टीम इंडिया के साथ, कैसे देखते हैं आप? आपको जो चीज़ें रह गई थी मौका है वहाँ पे कंप्लीट करना? देखिए, मैं तो ये कहूँगा कि उनको ऑल द वेरी बेस्ट, कि वो भारत के लिए अच्छा करें। कैप्टन कोच दोनों, कोच का जो काम है वो बेहतर निभा रहे हैं, खूबी से निभा रहे हैं। हालांकि हम सेमीफाइनल जरूर हारे वर्ल्ड कप में, लेकिन हम अभी भी बेहतर प्रदर्शन किया वर्ल्ड कप में, सिर्फ 1-2 मुकाबले हारे पूरे वर्ल्ड कप। तो मुझे उम्मीद है कि आने वाले वर्ल्ड कप, चाहे वो T20 हो या 50 ओवर का हो, उसमें और बेहतर प्रदर्शन करेंगे।